सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब होते हैं कि अपने आप को अलग अलग से कुछ भी ना एक्सप्रेस करें, लेकिन जब इकट्ठे हो जाए तो कुछ अलग टाइप की ही इनहेरिटेंस शो करें, कुछ अलग टाइप की ही फिनोटाइप शो करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ये अभी शायद क्लियर नहीं हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना एक स्वीट पी का। लथायरस ऑडोरेटस का हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जिसके अंदर हमने देखा कि क्रॉस जब करते हैं तो क्रॉस करते हुए जो कलर है इसके फ्लावर का तो वो आता है वैसे व्हाइट। सो व्हाइट कलर आता है फ्लावर का किसी भी तरीके के जीनोटाइप को जब हम क्रॉस करते हैं इन F1 जनरेशन। बट एक पर्टिकुलर के व्हाइट फ्लावर्स को जब हमने क्रॉस कर देखा सो वी फाइंड आउट कि F1 जनरेशन में बजाय कि व्हाइट कलर ही आने के पर्पल कलर के फ्लावर जो है देखने को मिले। तो ये पर्पल कलर क्यों आया, इसके लिए हम और ज्यादा से ज्यादा जो है क्रॉसेस किए गए, एंड द रीजन बिहाइंड जो था वो बड़ा ही मजेदार रीजन था, दैट वाज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। इसको हम आगे देखेंगे, अभी जब हम क्रॉस करेंगे देन वी विल कम टू नो अबाउट द फिनोमेना। अभी सिर्फ हम समझेंगे कि व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे और उन्होंने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद लथायरस एडोरेटस के अंदर उनके पास एक जनरेशन आई दैट वॉज पर्पल कलर्ड फ्लावर। एंड इन सेल्फिंग, जब सेल्फ करने के बाद F1 जनरेशन को F2 जनरेशन आई, द कलर ऑफ द फ्लावर वॉज पर्पल एज वेल एज व्हाइट इन रेशियो 9:7। फिर से देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर दोज जीन्स विच डू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के साथ हैं, वो एक अलग ही तरह का इनहेरिटेंस शो कर सकते हैं, एक अलग ही तरह की फिनोटाइप शो कर सकते हैं जो कि पेरेंट्स में नहीं थी। ऐसा देखने को हमें मिला लथायरस ऑडोरेटस के अंदर, यानी स्वीट पी के अंदर, जहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स जो हैं क्रॉस कर उन्होंने एक अलग तरह की फिनोटाइप शो की जो कि पेरेंट्स में नहीं थी, दैट वाज ऑफ पर्पल कलर। अब रीजन हम उसका बाद में फाइंड आउट करेंगे, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्रॉस। एक डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो दो जीन्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। जो पहला जीन हम लेंगे वो लेंगे हम स्मॉल ई एंड कैपिटल सी। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, एक चीज डिनोट कर रही है एंजाइम को और एक चीज डिनोट कर रही है रॉ मटेरियल को। ये किस चीज को, ये कर रही है एंजाइम को और ये कर रही है रॉ मटेरियल को। बट बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो व्हाट इज एंजाइम, व्हाट इज रॉ मटेरियल। ऐसा होता है बेटा कि पर्पल कलर को बनने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर एंजाइम की एंड रॉ मटेरियल की। जब ई कैपिटल होगा तब वो एंजाइम एक्सप्रेस करेगा, और जब सी कैपिटल होगा तो रॉ मटेरियल जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो अब हम इसके साथ करेंगे इसका क्रॉस। सो ये क्रॉस बन गया है। अब मैंने इसमें से क्रॉस बनाकर दिखा दिया है, ये क्रॉस में हमने क्या किया है, अब हम समझ पाएंगे कि किस तरह से जो है जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक नया फिनोटाइप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है और बनता है। सबसे पहले वाले को देखें, इससे पहले ये देखो कि कैपिटल सी और कैपिटल ई बेटे जब भी आएगा तो सी रिप्रेजेंट द रॉ मटेरियल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या बनाता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और ई स्टैंड्स फॉर द एंजाइम। तो कहने का मतलब है कि डोमिनेटिंग स्टेट में सी और ई जहां पर भी प्रेजेंट हैं वहां पर हमारे पर्पल कलर के फ्लावर आएंगे। तो ऐसी जगह पे अपने आप से बोलिए कि यहां पर क्या आना चाहिए, पी। 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 यहां पे क्या आना चाहिए, पी पी पी
अगेन, और उसके बाद जो हमारे बच जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 जो होंगे वो हमारे W होंगे, नहीं भी लिखे तो भी हमें पता है, बिकॉज द टू फिनोटाइप आर गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, वन इज द पर्पल वन एंड द सेकेंड वन इज द व्हाइट वन. सो व्हाइट वन कब आ रहा है? व्हाइट वन तब आ रहा है जब कोई भी डोमिनेटिंग, जब दोनों डोमिनेटिंग नहीं है. तो यहां पर क्या आ जाएगा? 9:7 की रेशियो आ जाएगी. यहाँ पे ये आ जाएंगे पर्पल फ्लावर एंड ये आ जाएंगे व्हाइट फ्लावर. और द रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे रॉ मटेरियल प्लस एंजाइम गिव राइज टू एंथ्रोसाइनिन. एंथ्रोसाइनिन इज द केमिकल जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, या फिर आप कहिए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पल कलर इन द फ्लावर्स. सो ये क्या है एग्जाम्पल? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. सो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि दो जीन्स एक ट्रेट के लिए काम कर रहे हैं. एक जीन रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, एक जीन एंजाइम प्रोवाइड कर रहा है. और जब वो दोनों डोमिनेटिंग स्टेट में एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो दोनों डोमिनेटिंग स्टेट में एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया फिनोटाइप दैट इज ऑफ पर्पल कलर बनाते हैं. द रीजन बिहाइंड इट इज एंथ्रोसाइनिन, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर. सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन का. स्मॉल सी, स्मॉल सी से हमने रिप्रेजेंट किया है जहां पर रिसेसिव करेक्टर प्रेजेंट है, और कैपिटल सी, कैपिटल सी डोमिनेटिंग करेक्टर दैट इज स्टैंड्स फॉर द रॉ मटेरियल, कैपिटल ई स्टैंड्स फॉर द एंजाइम एंड स्मॉल ई स्टैंड फॉर द रिसेसिव करेक्टर विच इज नॉट गोइंग टू गिव एनी एंजाइम. और वो कैसे फ्लावर देंगे बाकी के? ये देंगे व्हाइट फ्लावर. आई होप द फिनोमेना इज क्लियर टू यू. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, यानी वो जीन्स जब एक दूसरे के साथ होंगे तो कोई अलग फिनोटाइप देंगे, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ नहीं है दे आर नॉट गोइंग टू डिफाइन एनी ट्रेट. आई होप द फिनोमेना इज नाउ प्रिटी मच क्लियर टू यू. थैंक यू.